जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस में एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों की आने वाली एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, जैसे एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और साथ ही साथ एमपी पीएससी एग्जाम और एमपी गवर्नमेंट की ग्रुप टू और ग्रुप फोर के एग्जाम में एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सभी आप लोगों की इन्हीं वीडियो में से पूछे जाएंगे और इनके लिए जो टॉप एमपी जीके क्वेश्चन वो हम आप लोगों को इस स्पेशल क्लासेस में कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले एमपी जीके के मैप से रिलेटेड जो चार क्वेश्चन है आप लोगों से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम पहले पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से चार क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे भी गए थे। तो यहाँ पर यह हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, और सिंगरौली जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा बेड़न में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मैप से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला आप लोगों को नजर आ रहा है वह है हमारा अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश में साक्षरता दर के हिसाब से सबसे कम साक्षरता दर जो है मध्य प्रदेश में वह अलीराजपुर जिले के ही है। मतलब लिटरेसी रेट में सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा जिला है, तो वह है अलीराजपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, यह आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मुरैना की क्या विशेषता है, तो मुरैना जिला जो है यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला है। अब मृदा अपरदन होता किस नदी के द्वारा है, तो मुरैना जिले से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी प्रवाहित होती है जो कि मृदा अपरदन का कारण बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है इससे फोर्थ क्वेश्चन, वो है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है। आंसर होगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, और बुरहानपुर की जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है, महाराष्ट्र राज्य से लगती है। तो ये जो चार क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ने वाले एमपी जीके स्पेशल क्लासेस में आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहां पर क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, पांच राज्यों के साथ। मध्य प्रदेश पांच राज्यों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। अगर पूर्व की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश पूर्व में किस राज्य के साथ मिलता है, तो वह मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम की बात कर ली जाए तो पश्चिम में किससे मिलता है, तो वह है राजस्थान और गुजरात राज्यों से इसकी सीमा को छूती है, ठीक है। पश्चिम के बाद उत्तर की बात कर ली जाए तो उत्तर में किससे मिलता है, उत्तर प्रदेश से। किससे मिलता है, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में किससे मिलती है, महाराष्ट्र से। बुरहानपुर अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, तो यहां पर यह है। अब देखिए पांच राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है ऐसा पूछा जाए, तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश राज्य से, और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात राज्य से। तो ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है वह सारे फैक्ट जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, बताइए, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली या शुष्क, कौन सी मृदा नहीं मिलती। तो आप कहेंगे शुष्क मृदा जो है मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। शुष्क मृदा जो होती है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त लाल मृदा, लेटराइट मृदा और काली मृदा, यह तीनों की तीनों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है,
सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और काली मिट्टी जो होती है ना दोस्तों, यह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है और यह किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? कपास उत्पादन के लिए जानी जाती है काली मृदा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पाद किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आंसर बताना है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, साल के बीज या तेंदू पत्ता। अब मध्य प्रदेश के वनों में किसका उत्पादन होता है यह आप लोग डिसाइड करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, उपरोक्त दोनों का। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन या नेशनलाइज्ड फॉरेस्ट होते हैं, इसमें साल के बीज और तेंदू पत्ता दोनों का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदू पत्ता उत्पादन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदू पत्ता का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपका आंसर होगा सागर जिले में होता है। और तेंदू पत्ता उत्पादन में भारत में प्रथम कौन है? तेंदू पत्ता उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम राज्य, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य तेंदू पत्ता उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता उत्पादन पर प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सागर जिला है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए, कर्मा, ताप्ती, लहंगी या परधोनी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर एक, कर्मा। कर्मा जो है गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है। और ये जो कर्मा नृत्य है ना, इसे लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोक नृत्यों का राजा। किस नृत्य को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कर्मा नृत्य को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। और कर्मा लोक नृत्य जो है यह गिनीज बुक में शामिल होने वाला भारत का प्रथम लोक नृत्य है। गिनीज बुक में शामिल होने वाला भारत का प्रथम लोक नृत्य है और कर्मा को लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। यह सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खान एक किस देश से थे? मतलब ईरानी थे, अफगानी थे, मंगोलियन थे या तुर्क थे? दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बताना है। दोस्त मोहम्मद खान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्त मोहम्मद खान को कौन कौन जानता है? जो नहीं जानता है ध्यान से देखेगा। तो दोस्त मोहम्मद खान एक अफगानी थे। दोस्त मोहम्मद खान ने जब रानी कमलापति की सहायता की तो इन्हें भोपाल जो क्षेत्र है वह उपहार स्वरूप दिया गया और इन्होंने उस क्षेत्र में भोपाल रियासत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भोपाल रियासत की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए आपसे कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान ने। और भोपाल रियासत का प्रथम नवाब कौन था अगर ऐसा पूछ लिया जाए, तो भोपाल रियासत का प्रथम नवाब दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र यार मोहम्मद खान था। दोस्त यार है ना, यह आपको याद रखना है। यार मोहम्मद खान या मोहम्मद नहीं होकर मोहम्मद है, पर अभी याद रख ले, ठीक है। तो भोपाल रियासत की स्थापना की दोस्त मोहम्मद खान ने, जो कि एक अफगानी थे। भोपाल रियासत का प्रथम शासक कौन हुआ? इनका पुत्र यार मोहम्मद खान, दोस्त यार, अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। और नेक्स्ट देखिए, यहां पर पूछा गया है कि चंदू सरवटे का जन्म कहां हुआ था, यह पूछा जा रहा है चंदू सरवटे का जन्म कहां हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर एक, सागर में। चंदू सरवटे का जो जन्म है वह सागर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का जो अधिकतम समय है वह कहां बिताया? इंदौर में बिताया। और यह किस खेल से संबंधित है यदि आपसे पूछा जाए, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, यहां पर पूछा जा रहा है केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में किया गया था? केंद्रीय प्रांत या इसे हम कह सकते हैं हिंदी में मध्य प्रांत, कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो
तब आप इसका आंसर करेंगे वर्ष 1800। बताइए जल्दी से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों, आप लोगों को दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा। तो राइट आंसर होगा वर्ष 1861 में। वर्ष 1861 में केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत का गठन किया गया था। अब एक क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है, वर्ष 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश की नई राजधानी कौन सी बन गई 1956 में? भोपाल बन गई। लेकिन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन से पहले मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तब आपका आंसर होगा नागपुर। मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी 1956 से पहले? नागपुर थी। लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, मध्य प्रदेश का एक नया राज्य बना, मतलब पुनर्गठन के बाद, तो मध्य प्रदेश की जो नई राजधानी वो किसे बनाया गया? भोपाल को बनाया गया। इससे पहले अगर मध्य प्रांत की बात की जाए तो उसकी राजधानी थी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट। अब बैंक नोट पेपर लाइन का मतलब क्या है? जो आप लोगों के नोट होते हैं ना, 1000, 2000, 500 के नोट, तो वह जो नोट है दोस्तों, उसका जो कागज होता है, जिस कागज पर नोट छपती है, वह कागज कहाँ बनाया जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद में नई नोट पेपर लाइन का उद्घाटन किया गया वर्ष 2015 में, और यहीं पर बैंक नोट के जो कागज हैं उनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, धामोली उर्स मेले का आयोजन क्या बोला गया है? धामोली उर्स मेले का, अब ये जो मेला वाला भाग है ना बेटा, ये मेला वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ना, मेला वाला जो आप लोगों का टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 की अगर बात कर ली जाए तो हर शिफ्ट में मेले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और हमने उस समय भी आपको मेले से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था और कहा था कि इसे पूरा याद कर लीजिए। जिन बच्चों ने पढ़ के गए थे उनका हुआ था अच्छा सा सिलेक्शन, उनका बढ़िया नंबर आए, उन्होंने मेले वाले सारे क्वेश्चन कर पाए। तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एमपी जीके की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, धामोली उर्स मेले का आयोजन कहां किया जाता है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, तो नरसिंहपुर, सागर, मंदसौर या रीवा, किस में राइट आंसर है? तो धामोली उर्स मेले का आयोजन कहां किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक, सागर में। धामोली उर्स मेले का आयोजन कहां किया जाता है दोस्तों, तो सागर में किया जाता है। आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे पूछा गया है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं? क्या पूछा गया है? ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, मंदिरों के हैं, या फिर महलों के अवशेष हैं, किसके अवशेष हैं? और यह क्वेश्चन जो है ना एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और आप लोगों को लगता है कि सर आप कैसे कह रहे हैं इतने श्योरिटी के साथ कि यह प्रश्न पूछा गया, तो हमने आप लोगों को एमपी पुलिस का एनालिसिस के सारे जितने भी शिफ्ट हुई थी सभी का फुल सॉल्यूशन कराया था, आप जाकर वहां ये क्वेश्चन देख भी सकते हैं। तो देखिए यह किसके अवशेष है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, टेम्पल्स या मंदिरों के अवशेष है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है? रॉबिनहुड नाम तो सुना ही होगा, रॉबिनहुड के नाम से किसे जाना जाता है बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टांट्या भील को रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, सलमान खान को नहीं, टांट्या भील को जाना जाता है, सलमान खान गलत। तो रॉबिनहुड के नाम से किस भारतीय को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा टांट्या भील को जाना जाता है। टांट्या भील जो है इनका संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से था, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से था। यह एक आदिवासी क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफी विद्रोह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर क्या पूछा जा रहा है, गुगवा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है? क्या पूछा गया है? गुगवा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर एक, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का। गुगवा जो है यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का
एक प्रमुख स्थल है और यहाँ पर जो है हाइफेनाइट जीवाश्म पाए गए हैं, यहाँ पर हाइफेनाइट जीवाश्म पाए गए हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश का प्रथम जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है ये पूछा जाए तो आंसर होगा डिंडोरी में। कहाँ स्थित है? डिंडोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन से राजपूत समूह ने राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित है। क्या पूछा गया है? कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह का संबंध है? तो बताइए, बुंदेलखंड से, चंदेल से, परमार से, चालुक्य से, ये सभी राजपूत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर एक, बुंदेल। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेल, इनका पूरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेल। 1501 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेल ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी। तो आपसे पूछा जाए कि ओरछा राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी। अब बुंदेला से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वो है पन्ना राजवंश की नींव किस बुंदेल शासक ने रखी? तो अब आपका आंसर होगा छत्रसाल बुंदेला। छत्रसाल का नाम सुना है ना, काफी बड़ा नाम है छत्रसाल बुंदेला, तो आपको याद रखना है। तो पन्ना राजवंश की नींव रखी थी छत्रसाल बुंदेला ने। और यहां पर बात की गई है कि रुद्र प्रताप सिंह जो है या बुंदेला मतलब राजपूत से संबंधित थे और 1501 में इन्होंने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी। दोनों राजवंश आपको याद होना चाहिए, बुंदेलों के ओरछा राजवंश की नींव रखी रुद्र प्रताप सिंह ने और पन्ना राजवंश की नींव रखी छत्रसाल बुंदेला ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया तो देखेंगे, बरसाती बर्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बरसाती बर्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है दिए गए ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर एक, मालवा से। बरसाती बर्ता जो है यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है। और यह किस मौसम में गाया जाता है बरसाती बरसा? बरसात के मौसम में। अब बरसात का मौसम किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा, अजय देवगन का गाना गाकर। बरसात का मतलब होता है बारिश के सीजन में। कब? बारिश के, रेनिंग सीजन में। ठीक है, आगे समझ में सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं तो बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, वो गाना भी है ना, तो उससे भी समझ में आ जाएगा बरसात का मतलब बारिश की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हुआ, इसके बाद ये शोकत महल कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? शोकत महल कहाँ स्थित है? यह है आप लोगों की स्क्रीन पर, ग्वालियर में, मांडू में, होशंगाबाद में, भोपाल में। बताइए कहाँ स्थित है शोकत महल, उसका राइट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है ना वह है ऑप्शन नंबर चार, भोपाल में। शोकत महल कहाँ स्थित है? भोपाल में। और भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 2000+ बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, जैसे एमसीक्यू हम आप लोगों को करा रहे हैं ऐसे ही बेस्ट एमसीक्यू चैप्टर वाइज अगर आप लोगों को यह पीडीएफ डाउनलोड करना है, एमसीक्यू वाइज पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है ना, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ की खासियत क्या है सर? तो इस पीडीएफ में आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में जो आप लोगों के एमपी जीके के क्वेश्चन है इसी पीडीएफ से जरूर पूछे जाएंगे। काफी बेस्ट और चुनिंदा क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिए हैं जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चैप्टर वाइज भी हमने यहां पर सारे एमसीक्यू से क्वेश्चन बनाए हुए, तो आप लोग यह पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया? यह आपसे पूछा गया है नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया। चार ऑप्शन आपको दिए हैं और आप लोगों को देखकर बताना है कि नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर चार, वर्ष 1998 में। नीमच को 6 जुलाई 1998 को एक जिले के रूप में मंदसौर से अलग करके एक नए जिले के रूप में घोषित किया गया था।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीमच को किस जिले से अलग करके बनाया गया, तब आपका आंसर होगा मंदसौर से अलग कर कर। किससे अलग कर कर? मंदसौर से अलग कर कर 6 जुलाई 1998 को एक जिला बनाया गया। अब नीमच जिले के प्रसिद्धि के दो कारण है। पहला कारण कि मध्य प्रदेश की प्रथम एल्केलाइड फैक्ट्री कहां स्थित है, मध्य प्रदेश की प्रथम एल्केलाइड फैक्ट्री जो है वो कहां स्थित है, तो वह आपका आंसर होगा कि नीमच में स्थित है। दूसरा कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला, सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला जो है वह कौन सा है, तब आपका आंसर होगा अफीम उत्पादक में, तो दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है नीमच जिला। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला जो है वह है मंदसौर। कौन सा है दोस्तों? मंदसौर। तो देखिए यहां पर पूछा गया है नीमच जिले के बारे में, तो नीमच को 6 जुलाई 1998 को मंदसौर से अलग कर एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया। नीमच जिले की प्रसिद्धि के दो कारण कि मध्य प्रदेश की प्रथम एल्केलाइड फैक्ट्री नीमच जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में दूसरे स्थान पर नीमच जिला आता है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो जिससे यह अलग किया गया मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन में आप लोगों को करा देता हूं, इसीलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश, क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया, क्या पूछा गया, मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो बताना है आप लोगों को, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1915 में मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ देखा गया था। और मध्य प्रदेश में जो सफेद बाघ है ना बेटा, ये कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं रीवा में। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? रीवा में पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मेला भामाबाद गांव में आयोजित किया जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा मेला भामाबाद गांव में आयोजित किया जाता है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर 2, तेजा जी का मेला। तेजा जी का जो मेला है दोस्तों यह भामाबाद गांव गुना जिले के, कहां, गुना जिले के भामाबाद गांव में कब आयोजित किया जाता है, तो भाद्र माह में आयोजित किया जाता है। किस माह में आयोजित किया जाता है? भाद्र माह में आयोजित किया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है गुना जिले से कि गुना जिले को बीचों बीच 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा सिंध नदी। गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो वह है सिंध नदी है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है 1972 में भोपाल जिला कौन से जिले से बनाया गया था, मतलब भोपाल को किससे अलग करकर एक जिला बनाया गया, यहां पर आप लोगों से यह पूछा जा रहा है कि भोपाल के बारे में बताइए। तो करेक्ट आंसर जो है ना वह है ऑप्शन नंबर 1 सीहोर। 2 अक्टूबर अच्छे से याद रखना है, 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल को सीहोर जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। और 1956 से भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, और भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं पहले भी पूछ चुका हूं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहां पर पूछा है परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है। परधोनी यहां पर शब्द दिख रहा है, जो पूछा है कि परधोनी जो है यह कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है, तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर होगा बेगा।
बेगा जो है यह भूमिया जनजाति की एक ब्रांच है या एक शाखा है। भूमिया जनजाति की क्या है? एक शाखा है बेगा जनजाति। और बेगा जनजाति जो है यह कर्म कांड का कार्य करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पंडा भी कहा जाता है। बेगा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? पंडा। और बेगा जनजाति जिस इलाके में जिस गांव को बनाकर रहती है उस गांव को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बेगा जनजाति के गांव को पुरबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पुरबा कहा जाता है। तो बेगा जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है और जो कि भूमिया जनजाति की एक शाखा है और यह कर्मकांड से रिलेटेड कार्य करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पंडा, मतलब पंडित जैसे काम करते हैं ना कर्मकांड से रिलेटेड। तो जनजातियों में कर्मकांड से रिलेटेड जो कार्य वो बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पंडा कहा जाता है दोस्तों। और यह जिस गांव में जहां एकत्रित होकर रहते हैं उस गांव को क्या कहा जाता है? तो उस गांव को पुरबा कहा जाता है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो यहां पर देखिए क्या पूछा है, शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है। जो शक्कर नदी है किसकी सहायक नदी है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह है ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, नर्मदा की। शक्कर नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। अच्छे से याद कर लीजिए, शक्कर नदी नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होती है। यह भी आपको याद रखना है, किस जिले में प्रवाहित होती है? नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होती है। और यह नर्मदा नदी में किस ओर से मिलती है? तो बाई तरफ से। नर्मदा नदी में बाई तरफ से मिलती है नरसिंहपुर जिले में। इस पर नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। कौन सी परियोजना प्रस्तावित है? चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है, शक्कर नदी नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होती है और इस पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। यह नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा में किस ओर से मिलती है? बाई ओर से मिलने वाली नदी है। और नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है नर्मदा की? नर्मदा की बात की जाए मध्य प्रदेश में लंबाई है इसकी 1077 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ऑल ओवर टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और इसे जीवित नदी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित है। क्या पूछा गया है? शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को जल्दी से कमेंट करना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, हॉकी खेल से। शिवेंद्र सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। और शिवेंद्र सिंह जी का जो जन्म है वह कहां हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर में। अब यह मैंने आपको क्यों बताया? तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है शिवेंद्र सिंह का जन्म कहां हुआ था। तो आपका आंसर है ग्वालियर में हुआ था। किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11, एक और एक 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हाल ही में 2021 की बात की जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है और जिसकी पुरस्कार राशि बढ़ाकर 7.5 से 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो यह सारे फैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है निराला सृजन पीठ किसका भाग है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है निराला सृजन पीठ किसका भाग है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है, भारत भवन भोपाल, लोक कला परिषद, कालिदास अकादमी या रविंद्र भवन भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, भारत भवन भोपाल। निराला सृजन पीठ जो है ना यह भारत भवन भोपाल का एक भाग है। और निराला सृजन पीठ किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, बीयू यूनिवर्सिटी भोपाल
जो है वह निराला सृजन पीठ से संबंधित है और यह भारत भवन भोपाल का एक हिस्सा है। भारत भवन भोपाल का एक हिस्सा है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों 1998 में, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण हुआ, मतलब जो बड़े बड़े जिले थे। देखिए आप अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, वर्ष 1956 में। तो पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, 43 जिले बचे। कितने जिले बचे दोस्तों, 43 जिले बचे। अब ये जो जिले हैं काफी बड़े बड़े जिले क्या है, काफी बड़े बड़े क्षेत्रफल है इनका, तो जो शासन करने में, जो शासकीय सेवाएं पहुंचाने में नागरिकों तक थोड़ी सी क्या हो रही है, तकलीफ असुविधा हो रही है, मतलब अच्छे तरीके से नागरिकों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल है जिलों का, तो क्या किया जाए, तो जिलों को, बड़े बड़े जिलों को छोटे जिलों में बना दिया गया। अब उससे क्या होगा, वहां पर हर जिले में एक अलग सा प्रशासन होगा, जिला प्रशासन, जो अपने अपने नागरिकों को आसानी से सारी सुविधाएं पहुंचा पाएगा। तो क्या हुआ कि वर्ष 1998 में जो बड़े बड़े जिले थे इन्हें, इनसे और नए जिलों का निर्माण किया गया। तो 1998 में टोटल कितने जिले बनाए गए, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 16 नए जिलों का निर्माण किया गया था। कितने नए जिलों का निर्माण किया गया, 16 नए जिलों का निर्माण किया गया। तो यहां पर जब हमने 16 जोड़ा तो क्या हो गया, देखिए 6 और 3 9 और 3 और 4 और 1 5, तो ये जो ज्यादा जिले हो रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ज्यादा जिले, जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग होगा 2000 में, वर्ष 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब अलग होता है तब मध्य प्रदेश से ये सारे एक्स्ट्रा जिले हट जाते हैं। और अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं वर्तमान 2022 में, तो वर्तमान 2022 में मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी, जिसका गठन किया गया 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग कर। और मध्य प्रदेश का जो 53वां प्रस्तावित जिला है वो कौन सा है, नागदा है, हम वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहां पूछा है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम किस जिले का प्रथम नाम था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है नर्मदापुरम किस जिले का प्रथम नाम था, तो इसका जो राइट आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद। किसका नाम था, होशंगाबाद। अभी ये जो नर्मदापुरम है यह मध्य प्रदेश का एक संभाग है। नर्मदापुरम क्या है, मध्य प्रदेश का एक क्या है, संभाग है। नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहला जिला तो आता है होशंगाबाद, पहला जिला कौन सा आता है, होशंगाबाद। दूसरा जिला कौन सा आता है, हरदा। तीसरा जिला कौन सा आता है, बैतूल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो मात्र 3 है इसलिए पूछा जा सकता है। आंसर होगा होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। होशंगाबाद का पूर्व नाम नर्मदापुरम था, लेकिन अब नर्मदापुरम को संभाग बनाया गया और इन तीनों जिलों को इस संभाग में शामिल किया गया है। यह अच्छे से समझ में आ गया, होशंगाबाद शहर जो है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदापुरम संभाग का जो ज्यादा क्षेत्रफल है वो नर्मदा नदी के द्वारा ही सिंचित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह हुआ आज का हमारा सेशन समाप्त। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस पसंद आई हो, तो आप लोग हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस का नाम आपको ध्यान रखना है कि दबंग क्लासेस पर एमपी जीके की बेस्ट तैयारी कराई जाती है और एमपी जीके के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है हम आप लोगों को कराएंगे, जिससे आप लोगों का एमपी जीके आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्लियर हो सके, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमने आपको जो एक पीडीएफ बताई है आप 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की एमपीजीके की, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।